सुनो, फिनिश हो जाए तो सबमिट कर देना, हम लोग चलते हैं। ये लो। ओ या। अरे दो मिनट रुको ना, हम लोगों का भी हो जाएगा। अरे एक मिनट भी ले लूंगा तो 5 मार्क्स कम हो जाएंगे। बात ऐसे कर रही जैसे टॉपर है। तुम्हारे रिकॉर्ड्स में सबमिट कर दूंगी। ए, बगल में बैठ। अरे वहां से यहाँ कैसे आ गया ये? क्या हुआ, रिकॉर्ड्स खत्म हो गए? तुझसे पट नहीं रही है, इसलिए फ्रेंडशिप से एडजस्ट कर रहे हो? पहले बात क्या है वो तो बता। टूर से पहले तन्वी हर रोज मुझे 3-4 बार देखती थी। फोर टाइम्स। टूर में वो मुझ में क्या देखती थी पता नहीं, लेकिन घंटे में एक बार जरूर देखती थी। मैंने बहुत कोशिश किया कि अवॉइड करूं, लेकिन कहते हैं ना कि वो कभी नहीं सुनता जो आदमी प्यार में गिर जाता है। कौन? कोई भी हो सकता है यार। ओहो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं उस लड़की के प्यार में मर मिट जाऊंगा, ऐसी मुझे फीलिंग हुई। आई नो, तुम्हारा शौक होना कोई बड़ी बात नहीं है, जानते हो उस पर कोई भी फिदा हो सकता है, लेकिन मैंने डिसाइड किया संजू, लाइफ में सिर्फ एक को ही सेट करूंगा। तो फिर वही क्यों ना हो, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लड़की आपके प्यार में फिदा है ना, तो फिर हेल्प क्यों चाहिए? वो बेचारी लड़की है ना, इसलिए अपने दिल की बात वो कह नहीं पाती है, तो मैंने फैसला किया है कि मैं ही उससे कहूंगा, और इसीलिए उसे ये बात बिना बताए कि वो मुझे प्यार करती है मैं जानता हूँ उसे प्रपोज कर दिया तो वो हैप्पी फील करेगी। इसलिए तुम हम दोनों के बीच मीटिंग अरेंज करवाओ। अरे भाई ये हम दोनों की बात है, अगर वो मारेगी तो? वैसे मत कहना, कहना कॉलेज खत्म होने के बाद ग्राउंड में वेट करे। उसके बाद मैं देख लूंगा, समझ गए? डन, ऑल द बेस्ट। ए, भाई की आंखें ना खराब है, इसीलिए उसे लगता है कि तन्वी उसे देखती रहती है। उसकी आंखें ही नहीं, उसका दिमाग भी खराब है, बिल्कुल तेरी तरह बेवकूफ। अच्छा, इसकी तो, इसका मतलब तन्वी की भी आंखें खराब है। सुबह सुबह ही तू मिल गई। प्लीज यार, प्लीज यार, फिल्म लगाना ड्रॉप कर दो ना। मैं नहीं आऊंगा, नीचे उतर, नीचे उतर। एक घंटे से मैं रिक्शे का वेट कर रही हूँ, नहीं मिल रही यार, प्लीज यार, समझना यार, प्लीज। चल बैठ, हमेशा कुछ ना कुछ रहता है तेरा। चल 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 प्लीज, शांति से जीने नहीं देगी। अरे किसी अच्छे लड़के से शादी कर ले, ये डायरेक्शन लाइफ में जरूरी है क्या? अरे यार ये शादी वादी बच्चे बच्चे मुझसे नहीं होगा। चल ठीक है, तेरी लाइफ है, तेरी मर्जी। वैसे आज का बकरा कौन है? किसी ने कहा है प्रोड्यूसर है। तुझे पता है ना, पैसा लगा के मरने वाले प्रोड्यूसर्स होते हैं और उन्हें मारने वाले हीरोज। ये सब तो हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, कभी एक्शन कभी लव स्टोरी। हाँ, लव स्टोरी करके जान निकाल रहा है यार। अब लव स्टोरी कहाँ से लेके आऊँ? हीरो को लॉन्च करने के लिए लव स्टोरी, हीरोइन लॉन्च करने के लिए लव स्टोरी, नया डायरेक्टर नया प्रोड्यूसर, मेरी जान ले लेंगे। ज्यादा चिल्ला मत, लोग गलत समझेंगे। हाँ। अरे रुक रुक रुक, मेरा ऑफिस आ गया। तूने तो सिनेमा का ऑफिस बताया था, ये तो सॉफ्टवेयर कंपनी जैसा लग रहा है। हाँ, उसका एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है। उन्हें कौन सी कहानी सुनाने वाली है? लव स्टोरी। ऑल द बेस्ट। अरे शाम को पिक कर लेना। हाँ देख लेंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैडम, बोलिए। मैं वो स्टोरी नरेट करने आई हूँ सर। अच्छा 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 अच्छा, बैठिए। अभी आ गई, अभी तो मेरा गेम भी पेंडिंग है। वन लाइनर सुनाइए, अगर पसंद आई तो फुल नरेशन सुनेंगे, ठीक है? वन लाइनर मतलब स्क्रीन प्ले पेस्ट करके सुनाओ। डायलॉग के साथ सुनाऊंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है ठीक है। वन लाइनर आपको शायद पसंद ना आए। पहले वन लाइनर सुनाओ, अच्छा है या नहीं मैं बताऊँ। ठीक है ठीक है सर। समय चोट को ठीक कर देता है, यही कॉन्सेप्ट है सर। अगर प्यार में फेल हो गया तो भी दुनिया नहीं रुकती, उस चोट के साथ ही जीना पड़ता है सर। क्या 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 क्या? नेगेटिव एंडिंग है? मतलब लास्ट में वो किसी और से प्यार कर लेता है, ऐसा दिखा देंगे सर। हाँ। नो यार। देखो मैडम, हमें ना इंडस्ट्री को बदलना है। आप औरत हो इसलिए चांस दे रहा हूँ। हाँ सर। समझ रही हो ना, इन्हें लॉन्च करने वाले हैं। या? हाँ सर। लव स्टोरी, एक्शन, रोमांस, सेंटीमेंट, फैमिली ड्रामा, ये है फॉर्मूला। समझे तुम? इस फॉर्मूले में कुछ नया चाहिए, हमें ऐसी स्टोरी की जरूरत है। जा लिखो, इंडस्ट्री को बदल देंगे। ठीक है सर। डोंट लूज होप बेबी। जब भी ये गेम खेलने बैठता हूँ कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ जाता है। आओ। सो, आपने जैसा कहा वैसी एक और स्टोरी है, सुन ले। क्या सुन लो? जल्दी में बात बताना भूल गई, मुझे 5 मिनट दीजिए, एक सीन सुनाऊंगी, आपको अच्छा लगा तो आगे बढ़ेंगे सर। शो। हमारा बाबा बहुत ही शानदार और हैंडसम है सर। बाबा? मतलब हीरो सर। ओके ओके। बड़े रेंज में स्क्रीन प्रेजेंस होना चाहिए ना। जरूर। अपने कहानी का हीरो बहुत अच्छा स्विमर है सर, पहले शॉट में स्विमिंग पूल में डाइव मारता हूँ। यहाँ थिएटर में लड़कियाँ फ्लैट। नेचुरली।
क्योंकि लड़का हैंडसम है ना सर, बेचारी लड़कियाँ क्या करेंगी। बिल्कुल सर। थैंक्स यार। पहले तो हैंडसम, उस पर से बड़े स्क्रीन प्रेजेंस वाला हीरो, तो ऑब्वियस है एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लेता है, वो जरूरी है ना। बिल्कुल जरूरी है। अपने लव स्टोरी में एक लड़का है तो एक लड़की होना भी जरूरी है ना। वो देखो एक खूबसूरत सी लड़की जिसे आसमान से जमीन पे उतर आई हो। हमारे पूरे शहर में इससे ज्यादा कोई खूबसूरत लड़की नहीं। ऐसा लगता है मुंबई से इंपोर्ट की गई है। एक्सक्यूज मी, मैं मुंबई से इंपोर्ट नहीं हुई हूँ, चेन्नई से हुई हूँ। ओके ओके, कहीं की भी होने दो, वो खूबसूरत लड़की उसी कॉलेज में एडमिशन लेती है जहाँ संजू ने एडमिशन लिया है। सॉरी बॉस, सॉरी 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 सॉरी। ओके, पहले दिन ऐसा होता है। प्रैक्टिकल लैब यही होना चाहिए, मैप पे तो यही है, पर कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ए, इसे पता होगा। हेलो बॉस, बॉस बॉस, फर्स्ट ईयर हो गया? या हाय, दिस इज नंदन दास मिश्रा, शॉर्ट फॉर्म नंदू। मैं बीरेन राज सिन्हा, इन शॉर्ट बीरेन। बॉस 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 बॉस, वन सेकंड बॉस बॉस। इस कैंपस में प्रैक्टिकल लैब यही होना चाहिए ना, लाइब्रेरी के बाजू में हमने ढूंढा लेकिन मिल नहीं रहा, कैन यू हेल्प अस आउट? लाइब्रेरी के पास कैसे होगा, अरे कंप्यूटर लैब के पास होना चाहिए ना। पूछो एक बार। नहीं, लाइब्रेरी के बाजू। लाइब्रेरी के पास तो मिला क्यों नहीं, कब से ढूंढ रहे हो ना? कैंटीन के बाजू में देख। जी जी, वहां जाना ठीक नहीं रहेगा। ये लड़कियाँ एक बार लेडीज रूम में चली क्या गई, जल्दी वापस नहीं आती। मेकअप वेकअप लगाना जरूरी है क्या? तो नहीं मिलेगा। वो देखो बॉस। हे, बिना कैंपस के मैप के तुमने कैसे बता दिया? टू मच है बॉस। रियली? देखो भाई, मुझे बार बार बॉस मत कहो, अच्छा नहीं लगता। कॉल मी संदीप। शॉर्ट फॉर्म वाला नाम? शॉर्ट फॉर्म नहीं, नाम ही शॉर्ट है। व्हाटएवर, मीट आवर न्यू फ्रेंड। हे, दिस इज नीलू, नीलिमा सेतु। यहाँ हर किसी के नाम के शॉर्ट फॉर्म है। क्या बात कर रहे हो बॉस, हमारे सबके नाम का शॉर्ट फॉर्म है। ये नया ट्रेंड है क्या? तुम्हें पता नहीं बॉस, ये ट्रेंड नॉर्थ इंडिया से आया है। बेचारे को पता नहीं। अरे पता नहीं है तो उसे बताना हमारा फर्ज है ना। इसे फिर से बताओ क्या? नीतू ने बताया, बस हो गया, अब तू मत बताना। नीतू ने बताया तो क्या, अब मैं भी बताऊं? बार-बार एक ही बात क्यों बोल रहा है किसी को? हाँ, मुझे नहीं लगता जल्दी आएगी। चलो भाई, फर्स्ट डे क्लास अटेंड करते हैं। ये बता, तुम लोग का अड्डा कहाँ पर है? मैं बताऊंगा कैंटीन में। कैंटीन भी कोई अड्डा बनाने वाली जगह है क्या? क्या बात कर रहे हो बॉस, पूरा ट्रेंड कैंटीन में और कॉफी डे में चल रहा है। जिसको बोलना तो भूल गए। बाय द वे संदीप। संदीप, संजू अच्छा है? हाँ। ए, क्या किया मेरे शरीर? क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मेरे पापा मुझे मार डाले। पैर लगा क्या, हाथ लगा क्या? सॉरी। किसी भी सब्जेक्ट में 100 से कम मार्क्स मिले तो पापा मुझे मार डालेंगे। तुम्हारी वजह से लाइफ का काम भी जल्दी नहीं हो रहा। मेरे पापा मुझे जरूर मार डालेंगे। रोना मत, रोना मत। एक सेकंड। हाँ, परेशानी क्या है? मैं सब ठीक कर देता हूँ। देखो अब ठीक है ना? ओके ओके, रो मत। देखो मैंने इसे मिटा दिया। ओके, मिट गया ना। मुझे लगता है ये पागल हो गए हैं। इस बीमारी की कोई दवा है? अरे, देखने से प्यार कैसे हो जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये पक्का पागल हो गया है। इस बीमारी की कोई दवा नहीं है। मैं तो कहती हूँ इसकी डायरेक्ट पहचान करवाते हैं। अरे रुक जाए। अरे छोड़ना यार, जाने देना। देख मैं कह रहा हूँ, अच्छा नहीं होगा। थोड़ी देर रुक, मैं नहीं मिलना चाहता हूँ। प्लीज यार, छोड़ देना। अरे वो आ गई, छोड़ मुझे, छोड़। बाय द वे, मेरी फ्रेंड से तुम नहीं मिली हो ना? नो, आ जाओ, चलो आज मिल लेते हैं। क्या हुआ? दिस इज नंदू। हाय, आई एम तन्वी। इट्स एक्चुअली नंदन दास मिश्रा। ओके, दैट्स बीरेन। हाय हाय। हमें कुछ काम है, बाद में मिलते हैं। ओके बाय, चलो। क्या हुआ यार, क्या ढूंढ रहे हो? उसके ब्लड मार्क्स ढूंढ रहा हूँ यार। तेरी तो मार्क्स का पता नहीं, ब्लड मार्क्स ढूंढ रहा है। हाँ,
सैंडविच खाओगे क्या? बहुत अच्छा है। छोटू, 3 चिकन सैंडविच जल्दी ला। सॉरी गाइज, मैंने अचानक उस लड़की को देख लिया था इसलिए आई पैनिक्ड। सॉरी। इतना डरेगा तो कैसे चलेगा यार? ऐसे करोगे तो लड़की कैसे पटेगी? जिसे सिली, पहली बार देख रही हूँ कि कोई लड़का लड़की से बात करने में शर्मा रहा है। वो लड़की है, कोई बॉम्ब नहीं। हेलो, लड़कियों से ज्यादा बॉम्ब बेटर है। तू एक्सेप्शनल है, प्लीज बुरा मत मानना। What do you mean? वो नहीं यार, लड़कियों में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा होती है। मुझ में क्या कॉम्प्लिकेशन है? तेरे बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, मेरी प्रॉब्लम क्या है मैं समझाता हूँ। अभी उस लड़की से मेरी जान पहचान होगी, तो नेक्स्ट क्या होगा? वो रोज भाषण देगी, उसे सुनना होगा, और साथ साथ चलेगी तो उसे देख नहीं सकते, तो आंखों से आंखें मिलाकर बात करने का ऑप्शन तो छूट ही गया। अब सोचो, एक खूबसूरत लड़की कैंपस में चलकर जा रही हो तो आजू बाजू के लड़के उसे देखकर कमेंट पास तो करेंगे ही, छेड़ेंगे, और ये तो एकदम नॉर्मल बात है। उसके बाद वो मेरी तरफ देखेगी, अगर मैंने रिएक्ट किया तो अच्छा नहीं लगेगा, तब भी मैं उनके पास जाऊंगा, बॉस 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 कमेंट करना गलत बात है कहूंगा। उसके बाद बोलो कहेंगे जाबे अपना काम कर, मैंने तो सही पूछा था, अब पीछे हटा तो अपनी इमेज बर्बाद हो जाएगी ना, तो मैं उन्हें पीटूंगा। अगले दिन क्या होगा, वो लोग 2-4 लड़के और लेके आएंगे, मैं परसों 4-6 ले आऊंगा, वैसे ही 8, 16, 32 नेवर एंडिंग प्रोसेस चालू रहेगी, और कट टू आधा कॉलेज मेरा दुश्मन बन जाएगा, इस फेस पर हर जगह जख्म दिखेंगे। ठीक है यार, इतना सब करने के लिए मैं तैयार भी हो गया, शी इज वर्थ इट, चलो मैंने मान भी लिया, लेकिन इसके बाद क्या होगा मैं बताता हूँ। हम दोनों मिलेंगे, मैंने क्या क्या किया है गिनाऊंगा, और जब मैं अपने रिश्ते की बात करूंगा तो वो क्या बोलेगी? संजू, यू आर माय फ्रेंड, दैट्स इट। चलो ऐसा बोली तो भी ठीक है, आज या फ्यूचर में पटेगी इस छोटी सी उम्मीद पर आगे भी बढ़ जाऊंगा। लेकिन बाई चांस मैडम ने ये कह दिया कि संजू तुमने कितना अच्छा काम किया है, जानते हो तुम तो मेरे भाई होने का फर्ज निभा रहे हो, आई विश आई हैड अ ब्रदर लाइक यू, ऐसा बोल दिया तो मैं क्या करूंगा, आत्महत्या करने का मन करेगा। शांति से चल रही इस जिंदगी में इतने कॉम्प्लिकेशंस लाना जरूरी है क्या? ये मैं, मेरी ये दो आंखें उसे देखती हैं, इतना मेरे लिए काफी है यार। छोड़ो। हाँ सर। सर, चिकन सैंडविच गरम है, संभाल के। अरे उठो यार, ये क्या कर रहे हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? ये सब्र कैसे यार, कैसे? हाउ? तुम तो माइंड ब्लोइंग हो भैया। इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा दिमाग कैसे भैया? परेशान मत हो, तुम लोगों का भी अच्छा ही होगा। मेरे घर में मुझसे 6 साल बड़ी बहन है, इसलिए उसकी शक्ल देखकर मैं जल्दी से मैच्योर बन गया। तुम्हारा भी टाइम आएगा, चलो चलते हैं, वो कहीं दूर ना चली जाए। मैं जो सोच रही हूँ तुम लोग भी वही सोच रहे हो? तुम भी वही सोच रही हो क्या? इविल थॉट पहले ही से ही आता है। चल चलते हैं। संदीप सर, तुम्हारे पार्टनर ने कंप्लेन की है, आज से तुम्हारे लिए दूसरा लैब पार्टनर। सर मैं सब कुछ तो सही कर रहा हूँ। नो, नया लैब पार्टनर। शैल वी स्टार्ट? या बाय द वे आई एम तन्वी। ए, क्या कर रहा है तू? सर सॉरी बॉस, सॉरी बॉस, कर दिया। ये यहाँ कैसे? आई एम तन्वी। हाय का जवाब देने के मैनर्स नहीं है तुम्हें। सॉरी, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग यू। हाय, हाय, आई एम संजू। हाय। अच्छा, उस बेचारी लड़की को क्यों रुलाया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, वही बार बार रोती है। ठीक है, मुझसे थोड़ा संभल कर रहना। अब वो पेपर ले लो। पे अटेंशन। हाँ, ओके। हमें देख रहा है, हमें कुछ, हमने जैसा प्लान किया था सब कुछ वैसे ही चल रहा है। ठीक है, ये किसकी चाल थी? क्या बात कर रहे हो? व्हाट आर यू टॉकिंग? उस लड़की को तुमने रुलाया तो ऐसा हुआ? क्लास में और भी लोग हैं, वो मेरी ही पार्टनर क्यों बनी? मैं भी पार्टनर बदलने के लिए कम तेरी तो आज तो तू गई। मुझे पता है, ऐसी घटिया सोच तेरी ही हो सकती है। तुझे मार डालूंगा ना तो इन दोनों को अकल आएगी। तुम्हें मैनर्स से है या तुम्हें जान गई थी? बेसिक डिसेंसी भी नहीं है तुम्हें। ये अच्छा लड़का है, कभी कभी ऐसा करता है। बस कहाँ के हो तुम? मैं कहाँ का? हैदराबाद का। वही तो, हैदराबाद में कहाँ? वो माधवपुर। ओ, रियल एस्टेट में कमाने वाली जगह क्या? इतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।
वैसे तुम कहाँ से हो? हम लोगों के पास पहले से ही पैसा है, बंजारा हिल्स। ओहो। स्कूल कौन सा है तुम्हारा? HPS। यानी हैदराबाद पब्लिक स्कूल? हाँ। मेरा भी वही स्कूल है। कौन से ईयर में पास हुए? 2008। हाँ, ऐसा क्या? मेरा भी वही ईयर है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे क्लास में इतनी ज्यादा बोलने वाली तो कोई नहीं थी। वो क्या है ना, मैं बचपन से ही बहुत शर्मीली थी। साइलेंस। संदीप, तन्वी, येता, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? I said silence. Tanvi, don't cry. I just asked you what is the capital of India. Why are you laughing? I said silence. तुम हो? हाँ। बाबू। हाँ? बेबी। हाँ? क्लास का टाइम हो रहा है, चले हाँ, क्या? हाँ, हाँ, शो, शो, शो। ओ ओ, मैं तो हूँ तेरा दीवाना, तेरे लिए छोड़ू जमाना, लिखूँ मैं प्यार का फसाना। तू कह दे मुझे हाँ, बन गया मैं परवाना, तू जो थोड़ा मुस्कुरा दे, मौसम हो जाए सुहाना। ये जान ले, उसे सबक सिखा दे। चुपचाप चल। दिल भर जानी, अपना तुझे माना, तू है जाने जाना। दो कॉफी। नंदू एंड विरेन वर स्टेयरिंग एट मी लाइक यू नो इट वाज जस्ट क्रेजी, लाइक यू नो, एंड देन आई स्टॉप स्माइलिंग फॉर एवरीथिंग। अरे यार भाई, अपने क्लास की लड़कियों से ज्यादा दूसरे क्लास की लड़कियां मस्त लगती है ना? एग्जैक्टली भाई, किसी की वजह से तो मैं दूसरे क्लास में बैठा रहता हूँ। जानता है, इसलिए तो बार बार फेल होता है। लड़की अपने पास आनी चाहिए, क्लास चेंज। सही कहा भाई, आगे से ध्यान रखूंगा। एक्सक्यूज मी बॉस। कौन से ईयर का है? फर्स्ट ईयर। चूजे, तू बच्चा है, चुपचाप निकल। ओके, उनका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, हम ही चलते हैं। इडियट्स। देख लिया ना, हो गई ना शुरू लाइफ में सारी कॉम्प्लिकेशंस। सुनो तन्वी, तुम्हारी फ्रेंडशिप भारी पड़ेगी और मुझे पीस चाहिए। मतलब तुम्हारी वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं। व्हाट? अरे तुम्हारी वजह से बहुतों से झगड़ा करना पड़ेगा। मतलब ये मेरी गलती है? फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? अरे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, बस हो गया। मतलब किसी और से झगड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए मुझसे दोस्ती तोड़ोगे? अरे ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ, अगर फ्रेंडशिप के अलावा कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा तो होल हार्टेडली सारे कॉलेज से फाइट कर सकता हूँ। मतलब ब्रदर? चल यहाँ से निकलते हैं, इसका कुछ नहीं होने वाला। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मुझे ऐसे अकेले ही यहाँ आओ, तुम तीनों मेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद करके आसानी से निकल जाओगे क्या? अच्छा सुनो, ये घुमा फिराने वाला चक्कर मुझसे नहीं होगा, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो मैं सारे कॉलेज से फाइट करूंगा। गर्लफ्रेंड? अपना चेहरा आईने में देखा है कभी? मैं तुम्हारे बारे में जानती है क्या हूँ जो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ? तो जान लो, रोज दिन में हम लोग सिर्फ 3-4 घंटे ही बातें करते हैं। बात कर नहीं रहे हैं, बात हो रही है। व्हाटएवर, दोनों एक ही है। तुम्हारे बारे में जानती है क्या हूँ? तुम्हारा फेवरेट कलर भी नहीं पता मुझे। जानता था ये पॉइंट तुम जरूर निकालोगी। देख लिया ना, जो करवाना था वो करवा के क्या कह रही है? अरे तुम लोग ऐसे पुतले बन के खड़े रहोगे क्या? कुछ बोलो ना इसे। ये करेक्ट है? क्या करेक्ट है? करेक्ट है ये। एक मिनट दे, मैं उससे बात करती हूँ। एक मिनट, इधर आ। May I help you? देखो, कॉलेज में खूबसूरत लड़की का होना सहज है, इसकी जैसा हीरो का होना वो भी सहज है। तुझे कैंटीन में कमेंट किया ना, उस तरह के विलेन का होना भी सहज है। अब देख, अगर तुमने संजू जैसे बॉयफ्रेंड को नहीं पकड़ा तो उन विलेन्स में से कोई ना कोई तुझे 3 रात छेड़छेड़ के परेशान कर देंगे। इसके साथ फ्यूचर है या नहीं बाद में सोचना, पहले से ही एक को रिजर्व किया तो तू सेफ हो जाएगी। क्या सोच रही है? हाँ, पता था कुछ नहीं होने वाला। यू नो व्हाट, यू आर एन इविल पर्सन। आई नो।
So, Neetu has a valid point. लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे कुछ नहीं पता ना। मैं तुम्हारे बारे में और तुम मेरे बारे में जानो, इसलिए हमें साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा प्रॉपरली। बस इतना ही क्या? तो कल से कॉलेज में एक घंटा पहले आएंगे और कॉलेज के बाद एक घंटा लेट जाएंगे, क्लास में चिपक के बैठेंगे तो सब जान जाओगी। That's a good plan. One year okay है? One year? मेरे साथ मजाक कर रही हो? बॉडीगार्ड जैसा इस्तेमाल करके छोड़ने की सोच रही हो क्या? 10 days? 10 days में क्या होगा? 10 days में तो किसी के परफ्यूम का ब्रांड भी नहीं पता चलेगा। Max. What? Whatever. Hey, तू कुछ बोलना? 8 महीने, 8 महीने फिक्स कर लो ना। 8 महीने बहुत होते, 15 days. चल हवान दे। 1 month. रुक रुक. 6 months and not even a single day less. ठीक है, 6 महीने फिक्स, 6 महीने फिक्स हो गया। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मान जा यार। समझ जाना यार। चलो ठीक है। Yes. मजा आएगा। चुप कर यार। संजू भाई मैं हेल्प। हेलो तुलसी भाई। भाई क्या है, तू फेसबुक पे है क्या? हा? नहीं यार, सुबह से घर पे ही हूँ। अरे वो नहीं, भाभी फेसबुक पे है। सुबह तो उसे मैंने घर पे देखा। तुम्हें क्या फेसबुक के बारे में कुछ नहीं मालूम? कोई नया कॉफी शॉप है क्या? कहाँ है वो? सॉरी भाई। भाई वो देखो भाभी, लाइब्रेरी चलते हैं। तन्वी कितने सवाल करती, चलो ना। पता निकल गई वो। ओ शिट तुलसी। अरे देखा, लात नहीं मारने का। अरे रुक तो। इसको तुम ज्यादा एंटरटेन नहीं कर रही हो? मस्ती करता है। कितने दिनों के बाद मेरा हाथ बटा रहे हो? अब लेके बता। आई डोंट नो। छोड़ो, हम दोनों ने इतनी चैन से बैठकर बात की, कितने दिन हो गए ये तो बताइए। 5 years. इसका मतलब बच्चों के पैदा होने से पहले। और आगे? या हम लोग बेबी सिटर को बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं ना, कोई मिला क्या? सो एक महीने में बच्चों से उसकी अच्छी बन जाएगी, तो हम अपने बच्चों को उसके पास छोड़कर थिएटर जाके फिल्म देख सकते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस। दीदी अब मैं चलता हूँ, मुझे जरा काम। खाना तो खा कर जाओ। नहीं दीदी, बहुत लेट हो जाएगा। जीजू खाना बना रहे हैं। अरे बाप रे, फिर तो रहने दो। ठीक है, बाय दीदी, बाय जीजू। ठीक है, बाय 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 बच्चों, बाय। शाम को आ जाना, खीर बनाकर रखूंगी। हां हां पक्का, बाय बच्चों। स्पेस से नीचे आकर सब्जी काटो। मुझे आज ही जवाब चाहिए। हा? इतना सडनली मैं कैसे बताऊं? सडनली 6 महीने सडनली होते हैं क्या? 6 महीने तक तुमने क्या किया? जब देखो तब देखते ही रहती थी मुझे। वो तो मैं तो बस यूं ही देखता था। वो सब छोड़ो, 6 महीने हो चुके हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। अरे यार, मुझे तुम्हारे दिन के 8 घंटों के बारे में पता है, पर बाकी के 16 घंटों में तुम क्या करते हो, कैसे रहते हो, ये तो नहीं पता। अरे यार, ये तो बस बहाने ढूंढ रही है। मुझे पता है, ये कॉलेज में 4 साल तक मुझे बॉडीगार्ड की तरह यूज करने का डिसाइड कर चुकी है। मुझे ये सब नहीं चाहिए, दूर से ही दर्शन ले लिया करूंगा, इतना टॉर्चर सहन नहीं होता यार। अरे मेरा मतलब ये नहीं है, तुम भी जरा सोचो, अगर हम दोनों की शादी हो गई और उसके बाद हम दोनों को शिकायत हुई तो रोज वही नौटंकी, पीटना, झगड़े। शादी? शादी के बारे में बात क्यों कर रही हो? अच्छा तो तुम शादी के बारे में नहीं सोच रहे? मेरा मतलब इतनी जल्दी शादी का क्या सोचना है बेबी? ए सुनो, मुझे ना सब कुछ पहले क्लियर करना है, क्लैरिटी नहीं तो फिर। अच्छा ठीक है, अगर पसंद आए तो कर लेंगे, उसमें इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? पहले 24 घंटे तो साथ में रहकर देख लेते हैं। ठीक है, काम करते हैं, मैं लगेज लेके तुम्हारे घर पे आता हूँ, तुम मैनेज कर लेना। घर पे? घर वाले मार डालेंगे। अच्छा टेक टू, तुम लगेज लेके मेरे घर आ जाना, मैं मैनेज कर लूंगा। नो नो, घर वाले मार डालेंगे। अरे यार, इस लड़की को कोई बात पसंद नहीं आती, हमेशा वही डायलॉग मारती जा रही है। कुछ तो बोलो यार, तुम लोग को मार डालूंगा मैं, जल्दी बोलो। तुम लोग मेरे दोस्त हो ना, बोल से मारूंगा। रुक रुक रुक, अरे बार बार जबरदस्ती की नहीं, अबे रुक, क्या बात है, ये तो छोड़ूंगा नहीं। ये पागल हो गया, लग जाएगी। रुक, कैसे होगा यार? सॉरी, कैसे होगा मैम? दोनों का 24 घंटे एक साथ रहना कैसे मुमकिन है? घर वाले क्या कहेंगे? वही तो सर, बाकी लव स्टोरी के जैसे ही इन्हें टूर पे भेजेंगे। बहुत बढ़िया रहेगा, वैजाग टूर पे भेजेंगे। वैजाग नहीं सर, व्हाई नॉट, रिच हीरो, रिच कॉलेज में पढ़ रहा है, लद्दाख या कश्मीर से नीचे मत सोचो सर। कह तो सही रही हो, तो आप झट से मान जाइए सर। लॉन्चिंग है ना, लद्दाख ही सही रहेगा। कैसे दोस्त हो तुम लोग? Awesome! 10 days Kashmir tour fix! Yes! Tour?
मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। क्यों? तुम्हारे घर वालों के पास तो पहले से ही पैसे हैं ना? वो तो इसलिए बचे हैं क्योंकि पापा बहुत संभाल कर। ए, सुनो, तुम्हें हमारे बारे में भी सोचना होगा, हमारी ना हालत खराब होती जा रही है। ठीक है, मैं किसी तरह मैनेज करती हूँ। तुम्हारा सनसाइन कैंसर है? कैंसर वाली लड़कियां अक्सर लव मैरिज करती हैं। नहीं बाबा, पापा को पता चला तो मार डालेंगे। ए, तुम्हारा लव मैरिज होगा, तुम्हें पता है? मेरी माँ तो बिल्कुल नहीं मानेगी। छी, क्या बोर गाने गा रहे, कंटाला आ रहा है। ए, नीचे बैठ, बेवकूफ कहीं का। अंताक्षरी खेलने आया क्या तू? तुम अपना काम भूले तो अच्छा नहीं होगा। मुझे भी एक्शन बहुत पसंद है। स्ट्रेंज बात है, मुझे भी वही चीजें पसंद है। ये लड़कियां कब से क्या बातें कर रही है यार? फ्लाइट में जब से चढ़ी है तब से देख रहा हूँ कुछ ना कुछ तो बके जा रही है। जो क्या है हमें भी तो बताओ, हम भी हंसेंगे ना। बाद में बोलूंगी। हाँ? ए, उसे छोड़ना। ओके, चल हम वहां देख। ओके ओके, वो तो कमाल का है। ए, नहीं तो वेट। अरे ये क्या कर रहा है? यू आर क्रेजी, आई लव यू। क्या किया? लोटा उठाया। ऐसा क्यों किया, कुछ समझ नहीं आया। मैं तो उसी के लिए जी रहा हूँ। हाँ, कहीं वो मुझे अपना भाई ना बना ले। नहीं, वो बॉयफ्रेंड ही बनाएगी। तू तो घर का नौकर बनने के लायक भी नहीं है, बात करता है। hey! वो कर क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ब्यूटीफुल लोकेशन है ना? वाव। वो आया क्या? एक्सक्यूज मी, जाने दीजिए बॉस। अरे उसकी प्रॉब्लम क्या है? कौन यार? वही जो सामने जा रहा है। ओ, अच्छा, तुलसी है, क्या हुआ? बहुत इरिटेट कर रहा है वो मुझे, मार दूंगा उसे। थोड़ा सा टाइम दो हमें, सब ठीक हो जाएगा। अंकल जी, ये मेरा दोस्त। फ्रेंड्स फ्रेंड्स। चार दिन से इनकमिंग फुल, आउटगोइंग नील, दर्द बहुत, तारे जमीन पर। ये लो गोलियां। तीन गोली है। तीन गोलियां। फुल पैकेट खत्म करता है क्या? दिन में एक बार। वंस अ डे, ओके? मतलब तीन दिन तक। थैंक्स। ए, क्या किया तुमने? ए, एक ही लेने के लिए बोला है ना? ए, चार दिन में एक एक लेने की बजाय एक साथ चार लेगा तो कितना असर होगा? चार दिन से जिसको नहीं आता उसको एक एक देने का, इसको तो रोज आता है, तूने क्या कर दिया पागल? मैं हमेशा से वीक रही है। अरे कहां गए ये लोग? ये कहां गए? वो देख वॉचमैन। नमस्ते सर, हम हैदराबाद से आए हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। सिर्फ एक बार, दो मिनट के लिए आपका बाथरूम यूज कर सकते हैं? हाँ, दो मिनट, सिर्फ दो मिनट। भाया, लगता है मान गया। चलो अच्छा है। सर, सर, जस्ट टू मिनट, बहुत और की लगी है, थोड़ा सा समझिए। अरे वो नहीं मानेगा, कहीं दूसरी जगह चलते हैं जल्दी। मैं तो यहीं बैठूंगा। ए,
रोक लेना यार, थोड़ी देर की बात है, थोड़ा सा हिम्मत रख मेरे भाई। नहीं यार मुझे बचने दे। इमरजेंसी है सर, आउट ऑफ कंट्रोल है सर, थोड़ी प्रॉब्लम समझिए सर। अरे बाप रे, इनकी हालत देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, प्रकृति के साथ ये लोग झूम रहे हैं यार। लगता है वापस जाना पड़ेगा। अरे चलो चलो, बस छूटने वाली है। अरे अरे सर 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 प्लीज सर, वन चांस सर, वन चांस सर, मुझे बस दो मिनट के लिए बाथरूम जाना दीजिए, मैं अपना पूरा टैलेंट दिखाऊंगा सर, प्लीज सर। नहीं, जो करना है पहाड़ पे जाके करके आ जाओ। बेवकूफ लोग, बेवकूफ लोग, क्या पी के मरे हैं पता नहीं। 9 बजे पहुंचने वाला 4 बजे पहुंचा है। गाइस लेट होने की वजह से आज का प्रोग्राम कैंसिल, कल सुबह जल्दी उठिए, व्हाइट वाटर राफ्टिंग पे जाएंगे। ओए, देखते देखते पूरा टूर खत्म हो जाएगा, फिर कब एक दूसरे के बारे में पता लगाएंगे। ठीक है चलो पता लगाते हैं। सोचो, तुम अपने बारे में मुझे बताओ, मैं अपने बारे में बताऊं, ऐसा नहीं होता है, सब ऑटोमेटिक होना चाहिए। रात को नींद भी पूरी नहीं हुई, आई एम टायर्ड, शाम को मिलेंगे। बहुत भाव खा रही है ये, टाइम टाइम की बात है। ए, दिखाई नहीं देता। सामने खूबसूरत लड़की होगी तो सामने वाले को दिखता नहीं, उसमें तेरी कोई गलती नहीं, ये उम्र ही ऐसी है। आई एम रमेश। बहुत बढ़िया, अब तू जा। ए, तुझे समझ में नहीं आ रहा। चल ऐसा चलते हुए बात करते हैं, तन्वी से प्यार करता है ना तू। ए, तुझे कैसे पता? थोड़ा मुश्किल है लेकिन डाइजेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा करना जरूरी है, स्टार्टिंग में पता चलेगा तो बेटर है, गहराई में जाएगा तो बहुत दुख होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया। भूल जा। लेकिन क्यों? तू समझ नहीं पा रहा है, भूल जा। अरे भाई तो क्यों? क्योंकि तन्वी तुझसे प्यार नहीं करती। क्या बोला? I know. ऐसी सिचुएशन में तुम्हें इधर से कूदकर जान देने का मन कर रहा होगा ना, लेकिन तुम्हें इस वक्त हिम्मत रखने की जरूरत है। ए, क्या हुआ? सिगरेट है क्या? हाँ है। सिगरेट ले ले इससे। मुझे आदत नहीं है। लेकिन मुझे तो है, ले ले। थैंक यू माय सन। इट्स ओके। वो सब ठीक है, लेकिन तन्वी ने मुझसे कभी इस बारे में कहा नहीं कि वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। रहने दे, बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है। हे, जैसे तू उससे प्यार करता है उसी तरह से वो मुझसे प्यार करती है, उसी तरह से वो मुझसे प्यार करती है, उसी तरह से वो मुझसे प्यार करती है। काफी है या इससे आगे बताऊं? बस बस बस। आई नो, तेरी जगह मैं होता तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता। भूल जाओ उसे, भूल जाओ उसे। तुम्हें एक बहुत ही रिच हस्बैंड मिलने वाला है। सच कह रहे हो? हाँ। दिख रहा है उसके 4 फार्म हाउस हैं। सच में? तुम्हारी कसम। और ये जो लाइन है ना, इसका मतलब है डेफिनेटली लव मैरिज होगा। जहाँ लड़की देखी नहीं कि फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं, शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। ठरकी कहीं के लगता है बेचारा, बहुत परेशान है। हफ्ते में एक बार ही नहाता है। अच्छा, उसके साथ जो रहता है कैसे? ओए, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए कैंप फायर रेडी किया है। वॉक के लिए? वॉक पे और कैंप फायर। तुम लोग एंजॉय करो। क्या कहा? चलो। सुनो, तुम लोगों के साथ एंजॉय करने यहाँ आया हूँ। बेचारा बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। बताया था ना मैंने। भूल जाओ उसे। कौन है ये? ये कहता तन्वी इससे प्यार करती है। कोई भी ऐरा गहरा तन्वी से प्यार करता जा रहा है, एक मैं ही उससे प्यार नहीं कर पा रहा हूँ। भूल जाओ उसे। हे, कौन है यार ये? ए, अपने से 6 साल सीनियर है ये। 6 साल? इंस्ट्रक्शन मैप। इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनो और सब लोग रिवर मैप लेकर चलो। मैं जाऊंगा इसके साथ, तू जा। नीतू, संजू के बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है? तुम तो अच्छा ही कहोगी ना, क्योंकि तुम लोग फ्रेंड्स हो ना। नीतू, मेरे लाइफ जैकेट का बेल्ट जरा टाइट करो ना, मुझे थोड़ा लूज लग रहा है। वो वाटर बॉटल देना। यहाँ कोई वाटर बॉटल नहीं है। हाँ? ए, तुम यहाँ कैसे?
सरप्राइज। सरप्राइज तुम्हारा सर, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तो कहा था जानना है तो साथ रहना होगा, इसलिए मैं तुम्हारी बोट में आ गया। ए, सुनो, मैं फिर से कह रही हूँ, सब ऑटोमेटिक होना चाहिए, सेटिंग करने से कुछ नहीं होगा। अरे कैसे नहीं होगा, अब देखो। ए, इस तरफ नहीं, सब लोग उस तरफ जा रहे हैं। वही तो, उन्हें जाने दो ना, इस तरफ प्राइवेसी है। प्राइवेसी को भूल जाओ, पहले मैप को देखो वापस जाएंगे कि नहीं। क्या मैप? कैसा मैप? हाँ, इसका मतलब मैप नहीं लिया, गाइड करने वाला मैप। वो एक्चुअली मैं भूल गया। व्हाट? व्हाई डिड यू टेक द मैप? मैप के बिना तो बोट पे कैसे चढ़ गए? ए, तुमने क्यों नहीं लिया? पीछे बैठने वाला हमेशा नेविगेट करता है, सो मैप तुम्हें लेना चाहिए था। गाइड इंस्ट्रक्शंस दे रहा था तब तुम सुन नहीं रहे थे क्या? तब तुम क्या कर रहे थे? मैं तो तुम्हें देख रहा था। अभी भी ना, और कितने दिन देखोगे बाबू? वो क्या है ना तन्वी, तुम्हें देखता हूँ तो बार बार देखने का मन करता है। हे भगवान, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। ठीक है, अब क्या करना है? और क्या करना है, जहाँ रिवर ले जाएगी जाना है। लेकिन रिवर किस तरफ जा रही है? अरे इतना टेंशन क्यों ले रही हो तन्वी, तुम हो, मैं हूँ, ये बोट है, बोट के नीचे रिवर है, कितनी रोमांटिक जर्नी है, एंजॉय करो ना। तो फिर तुम गाओ। मुझे गाना नहीं आता। तो फिर मुझे गाने दो। ओ नो, नहीं यार, शांति से इस नेचर का गाना सुनो, पक्षियों का, नदी का, पत्थर, पत्ते, पपीता। संजू, ओए, हाँ, ये आवाज सुनी तुमने? हाँ। अरे हाँ, क्या वाटर का फ्लो फास्ट हो रहा है। ये तो अच्छी बात है ना, जल्दी पहुँच जाएंगे। हाँ? तुम भी तो यही चाहती थी। संजू, संजू, प्लीज, प्लीज।
ब्रिज यहीं कहीं होगा। वो अपनी बस है ना? ओ या, चलो 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 जल्दी। ए मिल गया यार। अरे क्या रे, दोनों मिलके बड़े एंजॉय कर रहे हो? ए तुलसी, अभी नहीं है। अच्छा, तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा क्या? नहीं भाई। ए, 3 दिनों से हम बड़े परेशान हैं, बहुत जोर से ठंड भी लग रही है, मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। हट यार, ऊपर बस खड़ी है, जा सकते हो। चलो तू अकेले जा। तुलसी तुलसी, दूसरा चांस नहीं देगा? तू नहीं मानेगा तो मैं सबक सिखाता हूँ। नहीं दादागिरी करता है। आजा देखते हैं, आजा आजा। देख, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बता, मैं तन्वी को यहाँ छोड़ के जाऊँ तो तू क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा इसका? हाँ बोल रहा है। शर्म भी नहीं आती। हट भागो। व्हाट? ए देखा, मारना नहीं, मारना नहीं, लग जाएगी, लग जाएगी, पहले बोल रहा हूँ। ए मारना मत। नहीं नहीं, वन मिनट रुक जा। तन्वी को लग सकता है, तुम बचो तो तन्वी, चला जा। एक मिनट, क्या कर रहा है यार? आजा आजा आजा, मैं कवर करता हूँ, तू जा तू जा। चला जा 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 जा। मारना तो मैंने शुरू भी नहीं किया। क्या मैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। क्या करता? वही करता जो वो कहता था। किसी में भी जरा भी दम नहीं होगा। आइयो, तुम ठीक हो? अबे तू फिर आ गया। अब दिखा रहा हूँ तुझे, आजा। उससे ऐसा नहीं होगा, ईंटों से मैं जा रहा हूँ। बेवकूफ लोग, आर यू ऑल राइट? कहाँ भटक गए थे तुम लोग? तुम लोग को 4 दिनों से ढूंढा जा रहा है। क्या हुआ, ये रो क्यों रही है? हाँ बताऊंगा यार, नहीं तो तन्वी का ख्याल रखो। यहाँ रोकिए भैया, मैं चलती हूँ। यू नो व्हाट, लेट मी वॉक यू होम। ओके, हियर वी गो। थैंक यू। यही हमारा घर है। ओहो, तुमने सही कहा था, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है। या सो व्हाट हैव यू डिसाइडेड अबाउट? व्हाट? You know? Oh, I don't know. मैं decide नहीं कर पा रही हूँ। What? See, हम लोग tour पर गए थे, तो मुझे impress करने के लिए शायद तुमने अच्छा behave किया हो। I mean, it's a possibility, यार। ये तुम क्या कह रही हो? तुम मजाक कर रही हो क्या? See, I mean, अगर मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बितानी है, तो तुम्हारा behavior जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुमने जो tour पे किया, वो सब pre-planned भी हो सकता है, just to impress me. हमारी शादी होने के बाद तुम ऐसे रहोगे, इसकी क्या गारंटी है? तेरी की। संजू प्लीज डोंट गेट इरिटेटेड, तुम भी एक बार सोच लो। अरे क्या सोचूं मैं, ये कोई नाटक चल रहा है? तुम लड़कियां अपने आप को समझती क्या हो? अगर पसंद आया तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। किसी को साल भर से पीछे घुमाने की क्या जरूरत है? हाँ, आंसू तो हमेशा रेडी रहते हैं, घड़ा भर भर के। You have no rights to talk to me like this. You're hurting me. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। You are hurting me. यहाँ पर। तुम्हें मैं पसंद हूँ तो मुझे भी तुम्हें पसंद करना है, ऐसा रूल है क्या? रूल तो नहीं है, लेकिन पहले पसंद होने का नाटक करके बाद में ना बोलना, ये बात गलत है। Whatever, I don't want. Get lost. I hate you. हाँ, I feel the same. I hate you more. Okay. निकल जा यहाँ से। मार डालो, बस यही तो बाकी रह गया। हाँ, तुम मरोगे तो अच्छा होगा। जैसे तुम्हारी बहुत जरूरत है ना देश को, जाओ जाओ। अरे जाओ ना। सडनली इसे क्या हुआ माँ? साइन कर दिया। थैंक यू बॉस। और बाकी है, और इसे देखो, यूएस जाने का प्लान बना रहा है। ये क्या है बेटा, तू यहाँ इंजीनियरिंग कर रहा है ना, तो मास्टर्स के लिए वहाँ जाने की क्या जरूरत है? मुझे भूख लग रही है, पहले मुझे खाना दो ना माँ।
दो। ये हमेशा ऐसा ही है, टॉपिक बदलता रहता है। अब क्या सोच रहा है, खाना तो खा ले। पहुंच गए। तन्वी, व्हाट्सअप, हाउ वाज योर वेकेशन? ऑल राइट। हमेशा कैमरा पकड़ी रहती है, तुझे क्या आगे चलकर डायरेक्टर बनना है? हाँ, मैं डायरेक्टर बनूंगी। तू डायरेक्टर बन जाएगी ना तो नीलिमा सेतु नाम अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा सा फिल्मी नाम रख लेना। नंदिनी रेड्डी कैसा रहेगा? या सुपर, नंदिनी रेड्डी डायरेक्टर, वाह। कभी कभी ये भी अच्छे आइडिया दे देता है। हे संजू, व्हाट्सअप? व्हाट्सअप, कैसा है यार? ठीक हूँ यार, सब लोग वापस मिल गए। सर आ गए, चल बैठ। ऑल राइट सेटल डाउन गाइस, टेक योर सीट्स। क्या हुआ, क्या हुआ, इसे क्या हुआ, इन दोनों को? So guys, what do you want? Red Bull. Me too. Tanvi, tumhe? Red Bull is fine. Sanju, tu kya lega? Tu baitha rahe, main leke aata hu. Okay. Mujhe bhi ek Red Bull. Kya hua? Ye to hame puchna chahiye. Hua kya hai? Kya hua hai? Nothing. Jhoot. Jhoot. Theek hai. I said I'm confused. I need some time. अरे कम ऑन गाइस, बी प्रैक्टिकल। मैं अब तक उसे नहीं जान पाई हूँ। बिना कुछ जाने उससे फ्रेंडशिप भी तो की थी ना। वो सब तो ठीक है। हियर यू गो। ओके थैंक यू। कैंटीन में चलती है क्या? या श्योर। क्या हुआ? तू बता स्टोरी क्या है। कौन सी स्टोरी? वही स्टोरी जो तेरे बताने तक वो भी नहीं बताएगी। फिर से वही कहती है, सेम ओल्ड स्टोरी। तेरे बारे में मैं नहीं जानती, मेरे बारे में तू नहीं जानती, एक दूसरे को जानना चाहिए। आई डोंट नो एनीथिंग बुलशिट एंड ऑल। सही तो कहा। क्या सही है, जोक लग रहा है? आई स्पेंड फ्रीकिंग 4 डेज इन द माउंटेन यार, उस तुलसी से फाइट की मैंने, और क्या जानना है उसे? तेरे फाइट से और तेरे 4 डायलॉग से अगर वो पटने वाली होती तो कब की पट चुकी होती। ऐसी लड़कियां जितनी फास्ट पटती है उतनी ही फास्ट पलट जाती है। आई एम श्योर शी इज नॉट अमंग दोस। तन्वी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल। Just give her what she wants. Hi. Sorry, I was very rude the other day. No, actually it was my fault. No, I'm sorry. मुझे तुम्हें force नहीं करना चाहिए था. I'm really sorry. No, I'm sorry. नहीं, it's totally my fault. I shouldn't have said that. Fine, apology accepted. On one condition though. वो क्या है? Sunday lunch मेरे घर पे. Lunch करेंगे? Are you sure? I'm sure. एक बार फिर से सोच लो. अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। संडे लंच एट माय प्लेस। श्योर। हाय दादाजी, ये मेरा फ्रेंड है। नमस्ते दादाजी। ये हमारे घर में क्यों आया है? मैंने इसे लंच के लिए बुलाया। क्या इसके घर में खाना नहीं बनता है क्या? ठीक है, इसको अंदर लेकर जाओ। हे, लंदन से जो मैं कप लेकर आई थी ना, उन्हें धोकर रखो। ठीक है मालकिन। ओ तन्वी, तेरा फ्रेंड आ गया। हाय, आई एम तन्वीज मदर, व्हाट्स योर नेम? संजू आंटी। ओ संजू, या संजू, मैं जरा थोड़े बिजी हूँ। कुछ नहीं, यू एंड आई मैगजीन वाले आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। देख रहे हो ना, हमारा घर एंटिक से भरा है इसलिए। हाँ, खाना खा कर जाना। ओके ना, प्लीज एक्सक्यूज मी, ख्याल रखना। ओके एक्सक्यूज मी। साड़ी, मेकअप, बाल सब ठीक तो है? ओके तुम बैठो। रेडी किया कि नहीं? हाँ, हो गया। ठीक है।
पानी लोगे क्या? यस प्लीज। हाँ हेलो अंकल, तुम हो ना तन्वी के फ्रेंड? हाँ अंकल। लंच किया क्या? बस करने ही वाला। रह इधर। लंच करने के लिए कहा तो टीवी क्यों देख रहा है? अकल है क्या? ये तो लंच का टाइम है ना, और तू बैठ के टीवी देख रहा है? आपने ही तो कहा था पहले होमवर्क करो। होमवर्क कर, उल्टा जवाब मत दे, चल जा किताब निकाल के पढ़ बेवकूफ। लंच करके जाना बेटा। अंकल लंच करके ही जाना। हाँ अंकल। बैठो बेटा। हाँ अंकल। प्लीज बैठो। हाँ, बैठो। लंच करके ही जाना। तू यहाँ क्या कर रहा है? पापा ने होमवर्क करने को कहा है। अंदर जाकर कर ले। पियो ना। लगता है इस घर को किसी की नजर लग गई है। जब से इसका जीजा किसी और के साथ भाग गया है, तब से इस घर की शांति खत्म हो गई है। किसी पंडित को बुला करके लाओ, इस घर की शांति के लिए पूजा करवानी होगी। लंच करे क्या? यस प्लीज श्योर। नाम क्या है? संजू दादाजी। घर कहाँ है? हाईटेक सिटी। ओ, रियल एस्टेट का पैसा? वैसा नहीं है पिताजी, पहले से ऐसी बात है। तो तुम कहाँ पर रहते हो? व्हाट दादाजी, हाउ कैन? क्या हुआ? हा? कुछ पूछना गलत है क्या? जिसको चाहे उसे घर ले आती हो, पूछता हूँ तो बुरा क्यों लगता है? ठीक है खाना खिलाओ। और थोड़ा चिकन लोगे? अब तक घर में किसी ने चिकन नहीं खाया है। पेट भर गया, नहीं चाहिए। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? दादाजी यादव, उस कौए को भगाओ वहाँ से। बेवकूफ कौआ, जब चाहे तब यहाँ पहुँच जाता है। और थोड़ा खाओ ना। फूल हो चुका हूँ, पेट भर गया मेरा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। छी छी बेवकूफ कौआ, जा जा। हे, मैं चला जाऊंगा, यू जस्ट कैरी ऑन। I'm sorry, you had to hear all that. Hey, that's totally fine. Family में तो it's a package. Just nothing much you can do. I know. तुमने देखा ना, तुम सिर्फ लंच के लिए आए तो ये हाल है। अगर मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड कहा होता तो क्या हाल होता? You're right. I get it now. Yeah, I'm sorry. Don't be. So, तुम मेरे घर लंच करने कब आओगी? क्यों? वहाँ जो हुआ उसे पेट नहीं भरा? हाँ, तुमने तो मुझे अपने घर बुलाकर पेट भर के डांट खिला दी। अब तुम डांट नहीं खाओगी? ओके, वैलिड पॉइंट। सो संडे डन। राजू लिफ्ट में रख दे। कैसी लग रही हो? थैंक्स। तो चले? श्योर। चलो। सॉरी। किसे क्या चाहिए तू देख लेना। मम्मी सब ठीक है ना? हाँ। ये दीदी और उसकी बेटी जीजा यूएसए में। ओके। सुनो जरा ठीक से लगाओ। एंड दैट्स डैड। यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ उधर, पुल लाने के लिए बुला था, ले आए। हाँ लगा दो। देखना कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है? तुम वहाँ क्या कर रहे हो भाई, इधर आओ। अरे तन्वी तुम आ गई, आजा आजा जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बहुत काम पड़ा है, तुम लेट क्यों आई हो? अब तक प्रसाद नहीं बनाया, पंडित जी आ गए हैं, पान पत्ता भी तैयार करना है। आजा आजा आजा, अभी खाना भी तो आधा ही पका है, जहाँ का काम वहीं पड़ा है। अच्छा बताओ तुम खाना बना लेती हो? हाँ, बना लेती हूँ। ठीक है, तुम अच्छी तरह से तैयार होकर आई हो। तुम अगर खाना बनाओगी तो कपड़े खराब हो जाएंगे। दीदी पूजा में उसे क्या चाहिए देख लेना, ठीक है? ठीक है। इसे तुम अपना ही घर समझो। ठीक है आंटी। चल
ए तन्वी, कहाँ थे तुम? इतने लेट क्यों हो गई? संजू ने कहा था तुम जल्दी आओगी। आ बैठो। साड़ी बहुत अच्छी है। थैंक यू। बाबू को दूध पिलाने का टाइम हो गया है, अब मैं दूध पिलाकर जल्दी आती हूँ। Sure. तब तक तुम यहाँ जरा संभाल लो। Sure. वो प्लेट जरा यहाँ दीजिए। एक काम करो बेटी, तुम यहाँ आकर बैठो। बेटा वो कपड़े देना जरा, जरा केला और नारियल भी देना मुझे। So, वो फल यहाँ दो। Having fun? Yeah. संजू इधर आ। हल्दी अभी आया। रख दो। तन्वी, बाबू को थोड़ा दूध पिला दो ना, ये सो जाएगा। यहाँ सब मैं संभालूंगी। या श्योर। हाँ। जरा वो फूल यहाँ लीजिए, भगवान पे चढ़ा। हाँ, आ, ओ, संभाल के। कभी किसी बच्चे को गोद में नहीं लिया? नहीं। संभाल कर, अंदर जाके बैठ जाओ। ध्यान रखना। हाँ। बेटा, माचिस देना। आ गए बेटा, सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कहाँ रह गई थी? बच्चे को तुम्हें पकड़ा दिया, उसे तो बस बहाना चाहिए किसी न किसी को पकड़ाने के लिए। लाओ मुझे दो। आ, 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 रे, 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 आ। बेटा कॉफी बनाने आती है ना, अंकल? तो एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बना के लेके आ। और सुनो, बूढ़ा हूँ इसलिए बीमार समझकर शुगरलेस कॉफी मत लाना, एक्स्ट्रा शुगर डालना। ये बात आंटी को पता ना चले। इसका मतलब आपको शुगर है क्या? नहीं नहीं। क्या हुआ? कॉफी के लिए पूछ रहे थे ना? कोई जरूरत नहीं, 10 बार हो चुकी है। चलो हम लोग पूजा में चलते हैं। सॉरी। प्रसाद लिया ना आपने? ये क्या, ये तो बचपन से ही ऐसा है, बदमाश कहता। ठीक है, अब मैं चलती हूँ आंटी। एक मिनट। हाँ, ये लो बेटी। अरे आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? तुम पहली बार आई हो ना, इसलिए बेटी। थैंक्स। आगे से सिर्फ पूजा और शादी में ही नहीं, जब भी तुम फ्री हो हमारे यहाँ चली आना। ठीक है ना? ठीक है आंटी, चलती हूँ अंकल। ठीक है, चलती हूँ आंटी, बाय। मैं छोड़कर आता हूँ। तुम्हारे घर वालों में और मेरे घर वालों में बहुत फर्क है। इतना ही नहीं, वो तो घर में पूजा थी इसलिए छोड़ दिया, वरना फुल टॉर्चर करते बैठे। ऐसा कुछ नहीं है, योर मॉम इज टू क्यूट। आहा, थैंक यू। सुनो, फिनिश हो जाए तो सबमिट कर देना, हम लोग चलते हैं। ये लो। ओ यार। अरे 2 मिनट रुको ना, हम लोगों का भी हो जाएगा। अरे 1 मिनट भी ले लूंगा तो 5 मार्क्स कम हो जाएंगे। बात ऐसे कर रही है जैसे टॉपर है। तुम्हारे रिकॉर्ड्स में सबमिट कर दूंगी। ए, बगल में बैठ। अरे वहां से यहाँ कैसे आ गया ये? ए, दूर हट। क्या हुआ, रिकॉर्ड्स खत्म हो गए? तुझसे पट नहीं रही है, इसलिए फ्रेंडशिप से एडजस्ट कर रहे हो? पहले बात क्या है वो तो बता। टूर से पहले तन्वी हर रोज मुझे 3-4 बार देखती थी। टाइम्स। टूर में वो मुझमें क्या देखती थी पता नहीं, लेकिन घंटे में 1 बार जरूर देखती थी। मैंने बहुत कोशिश किया कि अवॉइड करूं, लेकिन कहते हैं ना कि वो कभी नहीं सुनता, जो आदमी प्यार में गिर जाता है। कौन? कोई भी हो सकता है यार। ओहो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं उस लड़की के प्यार में मर मिट जाऊंगा, ऐसी मुझे फीलिंग हुई। आई नो तुम्हारा शौक होना कोई बड़ी बात नहीं है, जानते हो उस पर कोई भी फिदा हो सकता है। लेकिन मैंने डिसाइड किया संजू, लाइफ में सिर्फ एक को ही सेट करूंगा। तो फिर वही क्यों ना हो, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। लड़की आपके पैर में फिदा है ना, तो फिर हेल्प क्यों चाहिए? वो बेचारी लड़की है ना, इसलिए अपने दिल की बात वो कह नहीं पाती है। तो मैंने फैसला किया है कि मैं ही उससे कहूंगा, और इसीलिए उसे ये बात बिना बताए कि वो मुझे प्यार करती है मैं जानता हूँ, उसे प्रपोज कर दिया तो वो हैप्पी फील करेगी। इसलिए तुम हम दोनों के बीच मीटिंग अरेंज करवाओ। अरे भाई, ये हम दोनों की बात है, अगर वो मारेगी तो? वैसे मत कहना, कहना कॉलेज खत्म होने के बाद ग्राउंड में वेट करे। उसके बाद मैं देख लूंगा, समझ गए? डन, ऑल द बेस्ट। ए, भाई की आंखें ना खराब है, इसीलिए उसे लगता है कि तन्वी उसे देखती रहती है। उसकी आंखें ही नहीं, उसका दिमाग भी खराब है, बिल्कुल तेरी तरह बेवकूफ। अच्छा, इसकी तो, इसका मतलब तन्वी की भी आंखें खराब है।
मुझ में क्या कमी है? सब कुछ ही तो कम है। वो अपाहिज देखकर भी उसको पीट रही है। सच में शायद आंखें खराब है या नहीं? तूने कभी अपाहिज लाइफ में देखा है? फ्यूचर के बारे में सोचकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। इतनी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। भैया काम बना क्या? भैया झूठ है, सब झूठ है। मैं जानता हूँ मैं उसे पसंद हूँ, ऐसा उसकी आंखें कह रही हैं। पर पसंद होकर भी पसंद नहीं हूँ, ऐसा कहेगी तो मैं क्या करूँ? लगता है उसके घर में कोई प्रॉब्लम है। तुम्हें कुछ पता है क्या? अरे उसके पापा एक सामी मेजर हैं भैया। जानता था मैं, जानता था। अगर वो अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताएगी तो मैं उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूंगा बताओ? छोटी बच्ची है वो, डोंट वरी तन्वी, वो भगवान हार मानकर वैसे भी तुझे मेरे पास ही भेजेगा, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, जानता हूँ मैं। इसका मार खाना ही सही है। जरा से भी अकल नहीं है आप में। इतने बड़े हो गए हैं लेकिन बचपना नहीं गया। किससे पूछकर आपने ये फैसला किया? हमें पूछने की जरूरत नहीं समझे आपने? जब देखो अपनी होशियारी करते रहते हो। बैठो भैया बैठो, और इस आदमी को जरा ध्यान से देखो। सबसे नकारा इंसान है वो। देखो चिंटू का डायपर चेंज करना है, उसी के साथ होमवर्क करवाना है। किचन में काम कर रही हूँ, ऑफिस से कॉल्स आ रहे हैं उन्हें भी अटेंड कर रही हूँ, लेकिन इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी हेल्प करने की बजाय ये टीवी देख रहे हैं। देखो तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, कब से सुन रहे हो, कुछ भी बके जा रही हो तुम। तुम्हें तो मारूंगी तो ठीक नहीं होगा, बता देता हूँ। क्या 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 करोगे? क्या करना चाहते हो तुम? मुझे मारोगे? मार के दिखाओ। ठीक है जा अंदर जाओ, खाना बनाओ जाकर। आज मैं स्ट्राइक पे हूँ, नहीं बनाऊंगी मैं खाना, नहीं बनाऊंगी। नहीं करोगे? तुमको करना ही पड़ेगा, वरना तुमको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। और बाहर खाने की सोचना भी मत, भूखे रहेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। असल में क्या हुआ जीजा जी? मुझे कुछ याद नहीं है। चार जादुई बातें बोलकर क्या मुझे पटाया? मैं भी फिदा हो गई और किस्मत फोड़ ली मैंने। मेरे पापा ने मुझे आगाह किया था कि इस नारियल के छिलके से शादी मत करो, पर मैंने सुना नहीं ना, अब पछता रही हूँ। सब बदल गए, जानते हो तुम? ये रोज मुझे पार्क में मिलने आया करते थे, रोज गुलाब का फूल देते थे। आहा, मैंने सोचा लाइफ खुशबूदार होगी। आहा, लाइफ से खुशबू उड़ गई। दिन रात घर में रहकर इनके कपड़े धो, बर्तन धो, इनके लिए लजीज खाना बनाओ, और इनकी दया से मैंने दो बच्चे भी पैदा किए। उनका ख्याल रखो और साथ में इनके लिए बाहर जाकर पैसे भी कमाओ। इतना सब करने के बाद इनके चेहरे पे जरा भी खुशी नजर नहीं आती। मेरी किस्मत ही फूटी है। तुम्हारे जीजा जी को एक और बच्चा चाहिए। पहले जो है उसे संभला नहीं जाता है, और एक बच्चा चाहिए। जहाँ की जो चीज है वहाँ नहीं रख सकते। फ्रिज में से ठंडी बोतल तो लेके आते हैं, लेकिन वापिस वहाँ जाकर रखेगा कौन? मैं रखूंगी, मैं हूँ ना फ्री की नौकरानी। शादी से पहले चार दिन इसके साथ बिताती तो पता चलता कि कहानी क्या है, लेकिन अभी बोलकर क्या फायदा। अपने जीजा जी को अच्छी तरह से देख, और अपनी बीवी की हालत अपनी दीदी जैसे मत होने देना, तो ही खुश रहेगा। नहीं तो तूने भी इनकी तरह उस पर हुकूमत करने की कोशिश की तो सब गड़बड़ हो जाएगी। गलती से भी इनकी तरह बन गया ना तो खत्म, तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। ओके ओके, बात यह है कि आई थिंक शी इज राइट यार। वाओ सीरियसली, यू आर सेइंग शी इज राइट? दिस इज न्यूज़। किस बात में यार? वही यार, द होल थिंग अबाउट तेरे बारे में मुझे पता नहीं, मेरे बारे में तुझे पता नहीं, एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से पता लगाना चाहिए, हमारी पसंद क्या है, हमें साथ में और वक्त बिताना चाहिए एंड ऑल दैट। बट ऐसा कुछ नहीं है, उसने हाँ तो कह दिया। आई नो दैट, आई डू लव हर एंड आई वुड लव टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माय लाइफ विद हर। और वो कॉम्प्रोमाइज की भी बात कर रही थी, यू नो आई थिंक शी डिजर्व्स दैट एक्सपीरियंस। उसकी लाइफ चार दिन तक मेरे साथ कैसी रहेगी वो बस यही देखना चाहती है, एंड दैट्स व्हाट शी वांटेड, है ना? ओके, बट हाउ इज इट पॉसिबल? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर दोनों मिलकर कहीं बाहर जाएंगे तो? दैट वोंट वर्क यार, परसों ही तो हम टूर से वापस आए हैं। इसी शहर में रहना है, एक ही घर में रहना है, हम डेली लाइफ में जैसे रहते हैं वैसे ही रहना है, कॉलेज फूड ट्रैवल सब कुछ सेम, लेकिन साथ में रहना है। सिंपल, उसके घर वालों को अपलोड करके दूसरे गाँव में डाउनलोड करेगा तो हो जाएगा ना। और क्या कहोगे अंकल? अंकल आपकी बेटी मेरा फ्रेंड आपके घर में हस्बैंड वाइफ बनके रहना चाहते हैं। हाँ। आप और आंटी कुछ दिनों के लिए गांव के नहीं चले जाते? हाँ। तो वो कहेंगे जरूर बेटी, ये देखो हम सामान बांध के अभी निकल रहे हैं, उन्हें आने को कहो। ये आइडिया तेरा, तेरी तो।
3 days, 4 nights with 3-star accommodation in Bangkok. Lunch, breakfast, dinner included. For just 29,999 only a day. Chalega na? Bilkul nahi chalega. Same to same. Aur free mein mile to? Thanks a lot. Bangkok? Thuye teri planning pe. Bangkok ka paisa kaun dega? Iska baap? Jungle mein Mangal, a family reality show. जंगल में मंगल कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम ना हो थोड़ा संभल के पापा जंगल में मंगल ऑब्वियसली शॉपिंग फर्स्ट बैंकॉक 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 ओ और बिटिया का क्या बिटिया तो अभी कॉलेज टूर से घूम के आई है ना ऊपर से ऑफर मेरे तेरे चिंटू और तेरे पिताजी के लिए है फिर उन लोगों को अपना नाम कैसे पता चलेगा हम लोगों को बम्पर ऑफर देने वाले को नाम नहीं पता होगा उनके पास डेटाबेस रहता है तू जाने की तैयारी कर ओके पापा मैं टॉयज अपने साथ ले जाऊंगा गो पिताजी अरे एयरपोर्ट 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 पीछे रह गया वो देख अपने को मालूम है टाटा टेंशन नहीं लेने का ओवर स्मार्ट भैया एयरपोर्ट उस तरफ है बोला ना अपने को मालूम है फिर कहाँ जा रहे हो तुम लोग को यहीं छोड़ने को बोला कौन बोला वो सब अपने को मालूम नहीं हाँ। पैसे निकालो और गाड़ी छोड़ो क्या पैसा देने को भी बोला नहीं तो क्या फोकट में छोड़ो रुक जा रुक जा रुक जा यहीं पर है ओके गाइस यू रेडी ना हियर वी गो इस मैप को रखो इस मैप को आपको फॉलो करना है ऑलराइट आप तो देखते ही विनर्स लग रहे हैं कम ऑन गेट गोइंग रुक रुक तुम लोग क्या नाटक कर रहे हो आखिर कौन हो तुम लोग सर जंगल में मंगल का शो कोऑर्डिनेटर हूं सर क्या मतलब फिर हम लोगों को यहां क्यों छोड़ा अभी हम लोग को बैंकॉक की फ्लाइट में होना चाहिए था अभी बॉस को फोन करो आई विल कंप्लेन टू द पुलिस आई विल मीट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ प्लीज 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 काम डाउन सर एक्चुअली जंगल में मंगल शो जीतने वाले को बैंकॉक भेजेंगे ऐसा डिसाइड किया था तो अब हुआ ये पेन ड्राइव की जगह पेंसिल घुस जाने से कंप्यूटर में वायरस फैल गया इसीलिए आप लोगों को हाँ जी आप लोगों को विनर्स डिसाइड कर दिया सर हाँ तो उसके हिसाब से आपको बैंकॉक ट्रिप पे भेजना ही है हाँ। लेकिन अगर आपको बिना खेले बैंकॉक हाँ। भेज दिया तो बाकी लोग क्या सोचेंगे तो इसीलिए आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए बहुत से लोग इस प्राइस के लिए तिकड़मबाजी लगा रहे हैं लेकिन आप कुछ बोलिएगा मत okay. पीछे बिल्कुल मत हटिएगा हम ज्यादा देर यहाँ रुके तो डाउट हो जाएगा हाँ। इस मैप को रखिए अगले ट्रक में चढ़ जाइएगा वो okay. जहाँ रुकेगी वहाँ से गेम स्टार्ट हाँ। मैप को फॉलो कीजिए विनर्स आप ही होंगे उसके बाद बैंकॉक में पार्टी गेट गोइंग सर चलिए तो बन गए पैसे गए वो लोग तुम्हारी मिलजुल कर रहने वाली फैमिली कहाँ गई बैंकॉक मतलब अचानक ये बैंकॉक वाला प्लान कैसे बन गया मुझे नहीं पता कुछ बम्पर ऑफर कह रहे थे मतलब 4 days तक हम सब लोग यहीं रह सकते हैं ठंडी हो जाएगी तो ही मतलब इसलिए तुम बैग लेकर आए हो आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड यू नो तेरी तो ये सब जरूरी है क्या पापा जंगल में मंगल गेम नहीं खेलना है चलो यहाँ से नंदू आया उठना उठो संजू चलो संजू चलो 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 बैग प्लीज जल्दी करो हमें लेट हो रहा है जल्दी जल्दी दामाद ने आपको मार डाला बाबा क्या हुआ आप
सो रहे थे पापा? पापा तो सो रहे थे जी। जब ये डर जाते हैं तो इन्हें आंखें खुली रखकर सोने की आदत है। मैं तो भूल ही गई। वो मैप कहाँ है? देख। अम्मा, क्या हो रहा है भगवान? हमें बचा ले। अभी हम लोग यहाँ पे हैं। इस तरफ जाने का है। किस तरफ जाना है? इस तरफ जाने का है। मुझसे नहीं होगा बाबा। इंस्ट्रक्शंस के अनुसार अगर हम लोग टाइम पे नहीं पहुँचे तो खाना भी नहीं मिलेगा। लंच का बाद में सोचेंगे, मुझे ब्रेकफास्ट यहीं पर करना है और तभी मैं ठीक से चल पाऊंगी। एक तो रात को पिज्जा नहीं दिलवाया तुमने। चिप्स है ना, खा सकती हो। तूने खा लिया क्या? अब खत्म हो। खत्म हो गया कहता है? ब्रेकफास्ट करने से पहले मुझसे कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें जो करना है कर लो। जिंदगी बर्बाद हो गई। पापा, इसे जोर से मत बांधो, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। क्रेजी। ए, 7 बजे तक घर पे पहुंचना है, एंजॉय करेंगे। अरे मुझे 7 o'clock को बैंक जाना है यार। 7 बजे आईपीएल मैच है यार। क्या यार, हर बार की तरह वही। ठीक है चलो देन। अब दोनों अकेले हो गए। बाय। Here we go, princess. Uh-huh. That's a sweet honey. So, today will you not pay for that? माँ नहीं है तो नौकर का भी हॉलीडे होता है। मुझे क्यों घूर रही हो? ये क्लीन विन मुझसे नहीं होगा। कल नौकरानी आएगी तो देख लेगी। अब सो जाते हैं। कल नहीं आएगी तो? कल नहीं आएगी तो मैं हेल्प कर दूंगा ना मेरी डार्लिंग। Promise? Promise. Sure? हाँ, देख लेंगे। ऐसे लेटो मत, पहले जाकर नहाओ। अभी तो स्विमिंग करके आया हूँ। इसीलिए तो नहाने को कह रही हूँ, जाओ। मैं अकेले जाऊँ नहाने के लिए? या नहीं, मतलब तुम भी अगर साथ दे दोगी तो? नो, यहाँ पर कोई फिल्म नहीं चल रही है बच्चे, अकेले नहा लो। टेक द पोजीशन। चिंटो, कौन बुला रहा है? मैं हूँ तेरा बाप। पूरी रात मैंने बहुत सोचा। इस जंगल में रहने के लिए सिर्फ मानव शक्ति से कुछ नहीं होगा, मानव शक्ति के अलावा भगवान की भी मदद चाहिए। पापा, परसों मैंने एक इंग्लिश फिल्म देखी थी। हाँ। उसमें ना हीरो का फ्लैट एक्सीडेंट होता है, जंगल में पहुँच जाता है। हाँ। बहुत तकलीफ उठाता है। हाँ। वो भगवान को याद करता है और उसी वक्त एक बॉल के रूप में भगवान आकर उस हीरो की हेल्प करते हैं। शाबाश चिंटो, तू पहले भगवान को तैयार कर, मैं पूजा की सामग्री लेकर आता हूँ। शाबाश बेटा। आज मुझे थोड़ा लेट होगा बेबी, फ्रेंड्स वॉलीबॉल मैच खेलने बुला रहे हैं। थोड़ा जल्दी आने का ट्राई करो ना प्लीज। आई बी होम अलोन ना। श्योर यार। आई मिस यू। ऐसी बात करोगे तो स्विमिंग नहीं, गेमिंग नहीं, मैं अभी चला आऊंगा। ओके फाइन, बाय 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 बाय। संजू को आने दो, फिर साफ करेंगे। छी, ओ आ,
वो क्या था वो? ओके गाइस, मुझे जाना है। I'll catch you guys tomorrow. वो भी उसके सर। चलो चलो बाय। हे, ये पार्टी तो तेरी है ना, तू जीता है, जल्दी क्यों जा रहा है तू? मुझे जाने दे यार। मीना शादी की, उसका पति बन गया क्या? ये थोड़ा हटना, इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? थोड़ी देर बैठना, यही तो थी। ए चुप रह, पीने के लिए भी उसकी परमिशन चाहिए होती है। इसकी बात मत सुन, तू जा। एक ग्लास के लिए भी उसकी परमिशन। इग्नोर, तू जा। एक ग्लास, एक ग्लास, ओनली वन। इसकी कसम सिर्फ है। मेरी कसम नहीं। हां बैठ जा। ये हुई ना बात, तू सच्चा दोस्त है यार। हेलो पिज़्ज़ा, हाउ वाज योर डे? आज वॉलीबॉल मैच में मैंने सबसे ज्यादा स्कोर किया, बहुत मजा आया। यू शुड हैव कम। आज तुम इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो? पिज़्ज़ा। अरे ओह, मैडम को पहले हग नहीं किया इसलिए गुस्से में है। Don't touch me, you're filthy. क्या कह रही हो? ऐसा क्या? ऐसा क्या? ऐसा क्या? Stop it, Sanju. I'm pretty mad at you, okay? कितना? इतना? 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 Stop it, please. ए, तुम पीकर आए हो? नहीं तो? चीची. ए, ए, ए. Oh, Sanju, please stop it. Oh, I hate you. I totally hate you too. ए, stop it, Sanju, please. Please, no. Sanju, please stop. Stop it. सॉरी यार, प्लीज सॉरी, आई एम रियली एम्बेरेस्ड फॉर व्हाट आई डिड लास्ट नाइट। प्रॉमिस ऐसा कभी नहीं होगा। आई नो तुम बहुत गुस्से में। कम ऑन यार, मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। ये मैं 100 बार सुन चुकी हूँ, जस्ट गेट आउट ऑफ माय हाउस। व्हाट, इतनी छोटी सी बात है? ये छोटी बात है? हाँ, ये छोटी बात है। ठीक है, इसे छोड़ दो। घर साफ करेंगे कहकर कहाँ गए थे तुम? आधे घंटे में आ रहा हूँ कहकर रात को 11 o'clock आए तुम, वो भी पीकर। On top of that, you tried to take advantage of me. Yes, you did try to. Just get out of my house, please. This is freaking ridiculous. आगे अब एक शब्द पे बोला ना, I don't know what I'll do. जरा सुनो तो। मैं पुलिस को बुलाऊंगी, बोल देती हूँ। Out, get out. जरा रुक, देख यहाँ 50% ऑफ है। तू ये बैग पकड़, मैं भी आती हूँ। अभी तो 2 बैग भरकर खरीदा है ना। 2 मिनट रुकना, मैं आती हूँ ना। 2 मिनट कह के 2 घंटे लगा दूंगी। क्या तू भी अपने जीजा की तरह बात कर रहा है? ले पकड़ इसे। सच में वो शर्ट बहुत अच्छा लगेगा आप पर, मैं कह रही हूँ ना, आप सच में हैंडसम दिखोगे। ठीक है ठीक है। हे संजू, तुम यहाँ कैसे? दीदी शॉपिंग करने गई है। कहाँ है, दिख नहीं रही है? यहाँ 50% सेल है तो अंदर गई है। यहाँ पर 50% सेल है। बैग पकड़िए ना, मैं अभी आती हूँ। क्या यार, अभी तो 3 बैग शॉपिंग की ना। मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी। 2 मिनट कहती हो, 2 घंटे लगाती हो। इसे पकड़िए, मैं अभी आई, जस्ट आई। कम सब कुछ ओके है ना? क्यों, क्या हुआ? वही, आपका और दीदी का प्रॉब्लम, सब कुछ ओके है ना? प्रॉब्लम? ओ, उस दिन जो तुमने देखा था,
वो तो छोटा सा झगड़ा था। थैंक गॉड आई वाज सो स्केर्ड। आप लोग सेपरेट हो जाओगे ये सोचकर डर रहा था। सेपरेट? इतनी छोटी सी बातों में? ये छोटी सी बात लगती है? देखो छोटे भाई, बिना झगड़े के संसार नहीं चलता। छोटा हो या बड़ा, सब एक जैसा ही होता है। लेकिन झगड़ा करना, सॉरी कहना, फिर झगड़ा करना और फिर सॉरी कहना, बुरा नहीं लगता क्या? अब कुछ फायदा नहीं है, टाइम आ चुका है, गीता को उपदेश देना ही पड़ेगा। हे पार्थ, क्या बात है, क्या समस्या है तुम्हारी? बताता हूँ प्रभु, स्त्रियों के मन में क्या है ये कैसे पता लगाया जा सकता है? पहला ही क्वेश्चन बाउंसर होगा तो कैसे चलेगा? इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो। ठीक है प्रभु। लड़कियों के साथ जो झगड़े होते हैं उनमें कैसे जीता जाए? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा पार्थ, ऐसे में तुरंत वहाँ से उठ के चले जाना चाहिए। वो क्यों प्रभु? ऐसा इसलिए पार्थ, क्योंकि झगड़े में औरतों से जीतने वाला कोई भी मर्द पैदा नहीं हुआ। फिर आप उस दिन क्यों नहीं उठे? इतना बुरा भला सुनकर भी आप वहाँ डटकर कैसे बैठे रहे? उस दिन मैं अगर उठकर चला जाता तो आज मैं इस तरह तुम्हारे सामने उपस्थित नहीं होता पुत्र। वो क्यों प्रभु? कन्फ्यूजन हो रहा है तुम्हें, डरने की जरूरत नहीं, सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे ये बताइए प्रभु, उनसे मुझे झगड़ा ही नहीं करना है तो क्या करूं? पागल कहीं का, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है पुत्र। अगर झगड़ा हुआ और उसमें मेरी गलती हो तो मैं तो उसे माफी मांग लेता हूँ, लेकिन वो सेम टू सेम नहीं करती। सिंपल है पार, चाहे गलती किसी की भी हो तुम्हें ही माफी मांगनी होगी। ऐसा क्यों प्रभु? ऐसा इसलिए क्योंकि पुरुष लॉजिकली बात करते हैं, परंतु स्त्रियां लॉजिक को छोड़कर सिर्फ रिश्ते की बातें करती हैं, इसलिए वो सही होती हैं पुत्र। वो लोग ही क्यों सही है प्रभु? लॉजिक से जिनका कोई रिश्ता नहीं उन्हें सही गलत के फर्क का भी पता नहीं, इसीलिए हर बात पे वही सही है। ऐसा कैसे चलेगा प्रभु? ऐसा होगा तो वैसा नहीं पुत्र, और वैसा होगा तो ऐसा नहीं पार्थ। अभी मुझे क्या करना चाहिए प्रभु? चाहे कुछ भी हो उनकी इमोशनल टैप को कभी खुलने मत देना पार्थ। टैप क्या होता है प्रभु? नल को टैप कहते हैं पुत्र, उससे सुनामी भी आ सकता है, संभल कर। सुनिए। हाँ? पेमेंट। ये किसकी साड़ी है? हाँ हाँ दीजिए। बहुत अच्छा ऑफर मिला ना दीदी। हाँ हाँ, तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। नेक्स्ट सैटरडे विशाल में ऑफर है, चलोगी? ओह यस, जाएंगे ना सैटरडे को। क्या हुआ संजू, तुम आजकल घर पर नहीं आते हो? आज शाम को आ जाना, मैं तुम्हारे लिए सेवई बना के रखूंगी। ठीक है दीदी। मुझे दीजिए, चलो देन, मैं चलती हूँ। बाय दीदी। बाय, शाम को जरूर आना। लगे सब चेक कर लिया ना? हाँ रख दिया है पापा। ओके। संभल कर बेटा, कम से कम एयरपोर्ट तक तो मुझे आने दे। माँ देखो, अगर तुम रोगी तो मैं नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक आने नहीं दे रहा हूँ। देखिए ना, रह लूंगा। अरे 6 महीने में वापस आ जाएगा ना। हाँ। ऐसे रो के क्यों भेज रही है, खुशी खुशी भेजो। चलो भाई, रो मत मां। बाय पापा। ऑल द बेस्ट बेटा। अरे कुछ कुछ, बाय। अपना ध्यान रखना बेटा। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए, मैं यहाँ कैसे? क्या मतलब? तुम इसे बांध दोगे तो मान जाऊंगी? गलत सोचते हो। तुम्हारी मेरे मुंह मत लगो, और तुम्हें मनाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा तो फिर बांध के क्यों रखा है मुझे? ए, तुम क्या मेंटल हो? क्या पूछ रहे हो, तुम तो सच में मेंटल हा? हो। मुझे मेंटल कहा? तुम ही मेंटल हो, तुम्हारा पूरा खानदान मेंटल है। तुम्हें जेल में डालकर बहुत पिटवाऊंगी। ए, मैं चुप हूँ तो बहुत ज्यादा बोल रही हो, एक बार मुझे खुल तो जाने दो। मुझे मुझे करके बुलाता है। ए रुक जाओ। हाँ? दोनों को बांध रखा है फिर भी झगड़ना बंद नहीं किया तुम दोनों ने, ब्रेनलेस टॉम एंड जेरी। अरे कम से कम किसी लॉजिकल रीजन पर तो लड़ो, बांधने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, एक दूसरे के सामने आए कि झगड़ा शुरू। ये तो नंदू है। पहचान लिया? हाँ? नंदू तुम हो? तुम्हें तो मैं। हाँ, इसका मतलब बाकी 2 कार्टून भी तेरे साथ ही है। हाँ बे। पागल हो गए हो क्या? अभी मुझे एयरपोर्ट पर होना चाहिए था, अगर मेरी फ्लाइट मिस हो गई ना तो वाट लग जाएगी। मैं तुम लोगों को ना Ah.
तुमने ये क्या किया? इसे इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं बेटा। हमें ऐसे क्यों बांध रखा है? तू कुछ बोल रहा है क्या? हमें सुनाई नहीं दे रहा है। तुम लोगों ने प्लान कर लिया है तो मैं क्या बोलूंगा? नथिंग। तन्वी बेबी, तुम्हें भी कोई शक है क्या? जी जी, सब कुछ क्लियर हो गया है। मैं तो बस नो क्वेश्चन। अब तुम लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, यहाँ से सब दिखाई दे रहा है। अरे यार, कैमरा लगा रखा है। सॉरी सर, आप लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। गाइस, तुम दोनों को एक ही रूम में बांध कर रखने के बावजूद हम तुम दोनों के अंदर प्यार नहीं जगा सके। तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार नहीं है ऐसा तुम लोग समझ रहे हो और इसलिए लड़ रहे हो। तुम्हें ऐसे बांध कर हमें मजा आ रहा है ऐसा मत सोचो। वी आर प्रोवाइडिंग अ मीडियम। हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, तुम लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो कि नहीं हमारे लौटने तक डिसाइड कर लो। क्या शाम तक यही रहना होगा? इसके साथ मुझसे नहीं होगा, मुझसे भी नहीं होगा। इतनी भी तकलीफ मत उठाओ, कुछ नहीं होगा। किसी ने कुछ सही कहा है, किसी को तकलीफ देना बहुत बड़ा पाप है। ओहो, इसलिए क्या तुम्हें भी बांध कर रखा है? देखो। हाँ, क्या करोगी? तुम्हें ऐसे नहीं, देख लेना, पापा से कहकर तुम्हें जब लोकल गुंडों से पिटवाऊंगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। हे, किसकी बात कर रही हो? अपने पापा की। गलती कर दी जो उन्हें जंगल से चार ही दिन में वापस बुला लिया। कुछ दिन और रह लेते तो अच्छा होता, वहाँ पर घर बनाकर मुर्गे की तरह कुकड़ो को करते रहते। उनकी धमकी दे रही हो, चले जाओ, मैं डरता हूँ क्या? ओए, ओए, ए, 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 तन्वी, तन्वी, सुनो, सुनो, नहीं, तन्वी, नहीं, 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 अरे, तन्वी लग रहा है, नहीं, नहीं, अरे, मेरी बात तो सुनो। ओए, ओए, ओवर एक्टिंग कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, बस बहुत हुआ। ओके, आई एम सॉरी। यू बेटर बी। देखो फिर से, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुमने मुझसे गलत बिहेव किया, मेरे घर वालों को जंगल भेजकर उन्हें तकलीफ दी, तभी मैं तुम्हें सॉरी कह रही हूँ। सच कहूँ तो तुम्हें मार डालना चाहिए। It's my fault. I'm really sorry. मैंने जानबूझकर नहीं किया। I'm really sorry यार। ये अपॉलॉजी जानता हूँ काफी नहीं है। फिर से लंच के लिए मुझे अपने घर बुला और अपने घर वालों के जरिए मुझसे रिवेंज ले लो। Doesn't fix anything. I still hate you. लेकिन इतना evil thought कहाँ से आया तुम्हें? जंगल में मंगल। What kind of a sick person are you, Sanju? एक बार सोचो ना, that was a brilliant idea ना? लेकिन सिर्फ letter देखकर भागने के लिए मैंने थोड़ी कहा था उनसे। वो सही है या गलत ये नहीं सोचता तुम्हारे पापा को? फंसाने वालों की कभी गलती नहीं होती, फंसने वाले होते हैं तभी तो फंसाने वाले भी होते हैं ना। बुरी सोच वालों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है, एक तो मेरे सामने ही है। हाँ, करेक्ट करेक्ट, ये भी मेरी ही गलती है। I'm sorry यार, सॉरी बोल रहा हूं ना। I don't know. I was really scared. मेरी लाइफ में पहले उस दिन जैसा कभी नहीं हुआ। बहुत डर गई थी मैं। I totally understand यार। You know, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया, पर मेरा इंटेंशन वैसा नहीं था। I know, उस दिन के बाद only I know how I felt inside. Please यार। Don't cry. फिर ऐसा कभी मत करना, promise? I promise. So does that mean we are back? No. So how do I get you back? कुछ rules follow करने पड़ेंगे. Definitely करूँगा. खाना मैं बना लूँगी. बर्तन तुम घिसना. Okay. कपड़े तुम ही धोना।
घर भी तुम ही साफ करोगे ओके? वो काम तो नौकर भी कर सकते हैं ना। अमेरिका में नौकर एक्सपेंसिव होते हैं ना। ओ, तो तुम अमेरिका पहुंच गई? सारा काम मैं करूंगा तो तुम क्या करोगी? मैं टीवी देखूंगी। ओके। सा? बहुत अच्छा यार, सॉरी सॉरी, बहुत अच्छा मैडम। लेकिन स्क्रिप्ट में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्लाइमेक्स में थोड़ी फाइट चाहिए। वो जो तुलसी और काली का कैरेक्टर है ना, तो फिर तुलसी हीरो से अपना बदला लेने के लिए हीरो का पासपोर्ट चुराता है, तो नेचुरली अपना पासपोर्ट लेने के लिए कहाँ जाएगा हीरो? एक पुरानी फैक्ट्री में, वहाँ 30-40 फाइटर्स जिन्हें हम चेन्नई से बुलाएंगे, एक जोरदार फाइट सीन से मजा आ जाएगा। उसके बाद हीरोइन का किडनैप करवा देते हैं, फ्लो का तुम देख लेना। मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, बस फिल्म हिट होनी चाहिए। सर, ये सब करना जरूरी है क्या? तुम फाइनल हो मैम, सुपर कॉन्सेप्ट है। तुम स्क्रिप्ट पे काम करो, इंडस्ट्री बदल लेंगे, बिलीव मी। और हीरो? ये कैसा सवाल है? मैं ही हूँ। क्या हुआ? बहुत सारे चेंजेस करने को कहा है। इससे पहले 30 लोगों ने भी यही कहा होगा। या बट उन्हें एक्शन सीक्वेंस चाहिए यार। अच्छा सुन, तुझे वो तुलसी याद है क्या? हाँ अच्छे से याद है। क्यों? एयरपोर्ट जाने से पहले मैंने तुम्हारा किडनैप किया था ना। हाँ। उससे पहले उस तुलसी ने तेरा पासपोर्ट चुराया था क्या? और उससे तेरी पुरानी फैक्ट्री में फाइट हुई थी क्या? छी छी, फाइट वाइट मैं नहीं करता, ये अच्छी बात नहीं होती। मैं भी यही सोच रही थी, तू जैसा फट्टू उससे फाइट करेगा। पता नहीं तुझे मैं फट्टू क्यों लगता हूँ, फट्टू नहीं हूँ मैं। ठीक है, हमें गेट टुगेदर किए बहुत दिन हो गए यार, लेट्स मीट अप दिस वीकेंड। हाँ देखेंगे। ए, ऐसा क्यों कह रहा? कुछ नहीं यार, तुम्हें ड्रॉप करने के बाद तन्वी को उसके घर से पिकअप करना है, नाराज है ना मैडम? ओ, तुम लोग अभी भी लड़ते हो? कोई डाउट है? ये क्या कह रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, बस सुबह नहाने जा रहा था तो मैं टॉवल लेना भूल गया, मांगा तो भी नहीं दिया। कह रही थी मैं तुम्हें यहाँ पे टॉवल देने के लिए हूँ क्या? ओ, इतनी छोटी बात पे वो नाराज भी होती है? वो एक्चुअली मैं कल भी भूल गया था, परसों भी। ठीक है, तेरे से छुपा के कोई फायदा नहीं है। हफ्ता भर से वो शॉपिंग शॉपिंग बोल रही है। अरे मैं पैसे देता हूँ तो अपनी माँ के साथ शॉपिंग जाना, मेरी वहाँ पे क्या जरूरत है? कूली हूँ क्या, हमेशा कैरी बैग उठाता रहूँ? ऐसा बोलना फिर। किसी भी तरह मैनेज कर, मैं फ्राइडे फोन करती हूँ, आई मीन सैटरडे मॉर्निंग फोन करती हूँ। तुम दोनों साथ में आओगे तभी गेट टुगेदर होगा, अकेले अकेले थोड़े ना मजा आता है यार। ठीक है। एक बात बता, तेरी गाड़ी कहाँ गई? मेरी शादी हो गई है। मतलब गाड़ी छोड़ दिया तूने? बाइक सस्ती पड़ती है। ओ प्लीज माय बेबी, घर चलो ना। असल में इस एंगल से तुम कितनी अच्छी दिखती हो। चॉकलेट? ओ तो फिर नेकलेस? उसको देखा तुमने? देखा तो है लेकिन उसकी शादी हुई। तो कह रहा हूँ ना, शादी होने के बाद भी मुझे ही देख रही है। कुछ भी सोचता है तन्वी। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुझे कोई प्रॉब्लम है? भाई भाई, कॉलेज में खूबसूरत लड़की आई है। अरे फिर से शुरू। तुलसी फॉलो मी।